हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक्स फोरम। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में, एक इन्वेस्टमेंट लेसन के बारे में। अगर आपने आज यहाँ से लेसन ले लिया है तो आपको कभी भी किसी एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 करोड़ रुपये के बारे में और 1 रुपये के सिक्के के बारे में। यहाँ मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ और इसको रिलेट करने वाले हैं फिनेंस से, इन्वेस्टमेंट से। बेसिकली ये मिस्टेक हम काफ़ी बार इन्वेस्टर्स करते हैं। तो वीडियो में शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे जीनी मान लीजिए और मैं आज आपको दो चॉइसेस देता हूँ कि मैं या तो आपको आज 1 रुपये का सिक्का देता हूँ जो कि अगले 30 दिन तक डबल होगा, यानी मैं आज आपको 1 रुपये का सिक्का देता हूँ जो कि अगले 30 दिन डबल होगा, और दूसरा चॉइस देता हूँ कि आपको मैं 1 करोड़ इमिडिएटली देता हूँ आपके हाथ में। तो आप क्या लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली 99% लोग आज 1 करोड़ रुपये लेना, इमिडिएटली लेना पसंद करेंगे, बिकॉज वी लुक एट द इमीडिएट रिटर्न्स। ऐसा ही करते हैं। अगर मैं आज आपके सामने दो फंड रखूँ, फंड ए फंड बी, फंड ए जिसने 50% का रिटर्न दिया है, फंड बी जिसने 8% का रिटर्न दिया है, तो आप लोग पसंद करोगे 50% वाला फंड जिसने लास्ट ईयर में 50% का रिटर्न दिया है? तो ऐसा ही होता है। तो ऐसी तरीके से मैं अगर आपके आज आपके हाथ में 1 रुपये का सिक्का दूँ जो अगले 30 दिन तक डबल होगा, और दूसरी जगह मैं रखूँ आपके हाथ में 1 करोड़ रुपये जो इमीडिएटली मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे 1 करोड़ रुपए लेना पसंद करेंगे। लेकिन मालूम है दोस्तों कि अगर यही चॉइस मुझे मिले, कि मान लीजिए आप मुझे चॉइस देते हो कि मुझे आज 1 रुपए का सिक्का मिलता है, या मुझे कोई और चॉइस देता है 1 रुपए का सिक्के की जो अगले 30 दिन तक डबल हो और 1 करोड़ रुपए मिले, तो मैं 1 रुपए का सिक्का लेना पसंद करूंगा। तो आपको मालूम है, आप अगर आप सोच रहे हो क्यों, ऐसा क्यों, तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं बताने वाला हूं आपको, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक जो हम लोगों ने 10th और 12th में पढ़ा है। और लेकिन होता क्या है कि हमने अपने कभी इन्वेस्टमेंट्स में इसको अपनाया नहीं है। बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, बिकॉज ये जो 1 रुपये का सिक्का है ना, ये 1 रुपये का सिक्का 30 दिन के बाद इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो होगी 53 करोड़। आप सही सुन रहे हो, मैं गलत नहीं बोल रहा, इस 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू अगले 30 दिन में 53 करोड़ होगी। मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। And because this happened because of power of compounding। और ये power of compounding ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ या इस पर मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ या आपने शायद पहली बार सुन रहे हो। अगर आप वीडियोज देखते हो यूट्यूब पे तो आपने काफी बार सुना होगा power of compounding का बेनिफिट, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन होता क्या है कि हमने लॉजिक, हमको सारे पता है, हम इन्वेस्टर्स को लॉजिक सारे पता है, लेकिन उन लॉजिक्स को हमने कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ में कभी अप्लाई नहीं किया, एंड दैट्स अ रीजन हम वी लूज मनी। अब आप में से क्या होगा कि मैक्सिमम लोग 1 करोड़ रुपए लेना पसंद करेंगे, और बिकॉज वी लुक एट द इमीडिएट रिटर्न्स। अब मैं देखो यहां पे इसको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको एक्सेल पे कि वो 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू 53 करोड़ कैसे होगी। यहां पे आपको इस एग्जाम्पल से दो लेसन सीखने को मिलेंगे, एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आप देखोगे अगर वो 1 रुपए का सिक्का मैं आपको देता हूं जो अगले 30 दिन तक डबल होगा, तो उस 1 रुपए का वैल्यू अगले दूसरे दिन 2 रुपए होगी, फिर 4 रुपये होगी, फिर 8 रुपये होगी, 16 होगी, 32 होगी, ऐसे ही करते हुए ये 30 दिन में इसकी वैल्यू 53 करोड़ होगी। कोई नया तो मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको, ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने 10th 12th में पढ़ा है, लेकिन होता क्या है कि हमने कभी उसको अपने इन्वेस्टमेंट से जोड़ के देखते नहीं, एंड दैट्स द रीजन जब हमारे सामने इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है ना, तो हम इरेशनल डिसीजन लेते हैं। और यही रीजन था कि 2018 में लोगों ने SBI स्मॉल कैप फंड हुआ, या आपके काफी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड थे जिन्होंने 2017 में 70% रिटर्न, 80% रिटर्न दिए थे, और उन्होंने 2018 में दोबारा निवेश करा, और 2020 में ऐसी हालत है कि उन लोगों की जितनी लगाई पूंजी थी वो भी वापस नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप फंड अच्छे फंड नहीं है, अच्छी कैटेगरी नहीं है, SBI अच्छा फंड नहीं है, लेकिन अगर आप इमीडिएट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हो ना, इरेशनल डिसीजन लेते हो, उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। और बिकॉज हम कंसिस्टेंसी पे कभी ध्यान ही नहीं देते। अब देखो यहां मैं जो ये लॉजिक बताया आपको, आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि अब आप में से अगर मैं आपके सामने फिर दोबारा चॉइस रखूं कि भाई अब बताइए कि आप क्या लेना पसंद करोगे, वो 1 रुपए के सिक्का या 1 करोड़ रुपए इमिडिएटली, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया कि उस 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू 53 करोड़ हो जाएगी 30 दिन के बाद, तो अब आप बोलोगे कि मैं 1 रुपए का सिक्का लूंगा। अब दूसरे लेसन की तरफ आते हैं, दूसरी जो सीख देना चाहता हूं मैं इस वीडियो से उसकी तरफ आते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको फोन किया, आपने बोला हाँ भाई मैं 1 रुपए का सिक्का लूंगा, तो मैंने बोला ठीक है सर आ जाइए आप इमीडिएटली ले लीजिए, तो आपने बोला ठीक है मैं आता हूँ मैं कल आऊंगा, मैंने ठीक है सर आपकी मर्जी कभी भी आ जाइए आप कल ले लीजिए, तो अब आप मेरे पास कल आया, यानी आपने अब एक दिन मिस कर दिया, और मैंने आपको बोला कि सिर्फ 30 दिन के लिए पैसा सिक्का
डबल होगा जब आपके पास आएगा उससे एक दिन मिस, आपने मिस कर दिया, यानी आपने मेरे पास इमीडिएटली नहीं आए, आप मेरे पास नेक्स्ट डे, यानी आपने एक दिन मिस कर दिया। तो अब आपने मेरे पास मिस कर दिया एक दिन, यानी आपके पास बचे 29 दिन, यानी वो सिक्का सिर्फ 29 दिन डबल होगा। तो आपको मालूम है उस 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू अगले 30 दिन में फिर कितनी होगी, क्योंकि आपने एक दिन तो मिस कर दिया, उस 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू होगी आपकी 26 CR। सेम यही लॉजिक है, सेम यही कैलकुलेशन है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको। उस 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू होगी 26 करोड़, यानी जहां आपको 56 करोड़ मिलने वाले थे वहां आपको मिलेंगे 26 करोड़ रुपए। हालांकि काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन आपने 26 करोड़, लगभग डबल अमाउंट का लॉस कर दिया है, 26 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, बिकॉज आपने एक दिन मिस कर दिया। अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान लीजिए आप हो, मैंने आपको फोन किया कि सर आपका ठीक है, आपको 1 रुपए का सिक्का मिल जाएगा, आप मुझसे ठीक है अभी लाके ले लीजिए। तो आपने बोला यार ठीक है मैं आता हूँ, मैं अभी तो छुट्टी नहीं है, मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट डे आता हूँ, वो नेक्स्ट वीक आता हूँ। तो आप मेरे पास अब आए 10वें दिन, आपने शुरू के 10 दिन मिस कर दिए, आप मेरे पास 10वें दिन आए। तो मैंने कहा ठीक है सर आप 10वें दिन आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 10 दिन लिए। तो आपने शुरू के 10 दिन मिस कर दिए, आपने मुझसे शुरू के 10 दिन वो सिक्का लिया ही नहीं। तो आपको अगले 20 दिन मिले, यानी आपको 20 दिन के लिए आपको वो सिक्का मिला जो अगले 20 दिन तक के लिए डबल हुआ। तो उस 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू मालूम है आपको अगले 30वें दिन में कितनी वैल्यू होगी, सिर्फ 10 लाख रुपए। इट्स अ वेरी बिग ह्यूज डिफरेंस, जहां आपको 56 करोड़ मिलने वाले थे वहां अब आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। रीजन क्या है, बिकॉज शुरू के आपने 10 दिन मिस कर दिए। तो यहां मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, यहां पे देखो दो लेसन है कि एक, आप कभी भी इमीडिएट रिटर्न्स की तरफ भगिए मत, कभी ये मत देखिए कि मुझे इमीडिएट रिटर्न्स कितने मिलने वाले हैं, आपको देखना है कंसिस्टेंसी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं हर वीडियो में आपने कंसिस्टेंसी की बात करता हूं, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी था क्योंकि मुझसे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कोरा पे, काफी सारे लोगों के मैं क्वेश्चंस देखता हूं, वो हमेशा ये पूछते हैं कि बेस्ट फंड बता दीजिए सर 2020 का, बेस्ट फंड बता दीजिए सर इस फंड का उसका, और गुड फंड बता दीजिए सर, टॉप फंड बता दीजिए। भाई बेस्ट नाम की चीज होती ही नहीं इन्वेस्टमेंट्स में, आपको हमेशा जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछना है ना, आपको ये पूछना चाहिए सर मुझे कंसिस्टेंट फंड बताइए जो मेरे लिए सही है। और दूसरी सीख जो यहाँ पे मिलती है दोस्तों वो ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट को ताली टालिए मत। आपको मालूम है ये सारे लॉजिक, आपको मालूम होगी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या है, आप सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपने पहली कई बार पढ़ी होगी, कई बार सुनी होगी, फिर भी हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिले करते हैं। हम आप कहते हैं कि आज नहीं कल करूंगा जब मेरे पास पैसा होगा, कल नहीं मैं परसों करूंगा, इस तरीके से डिले करते हैं। और डिले का एग्जांपल मैंने आप लोगों को इस 1 रुपए के सिक्के के हिसाब से दिया है कि अगर आप एक दिन भी मिस करते हो ना तो आपको कितना बड़ा नुकसान होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। तो आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत छोटी वीडियो रखी है मैंने, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था, ये लॉजिक देना चाहता था कि एक तो दोस्तों कंसिस्टेंट फंड के साथ जाइए, ना कि बेस्ट फंड टॉप फंड। हो सकता है कोई फंड बेस्ट फंड हो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जरूरी नहीं है वो बेस्ट रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी, 7 ईयर्स में भी, लेकिन हाँ जो कंसिस्टेंट फंड है वो कंसिस्टेंट रहेगा। और दूसरी बात है दोनों इन्वेस्टमेंट्स को डिले मत कीजिए। अब हो सकता है देखो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि हो सकता है कि 8% रिटर्न आज की डेट में आपको ज्यादा ना लगे, उसका 8% रिटर्न आपको सब्सटेंशियल ना लगे, बट वही 8% का रिटर्न अगर आपको अगले 20-30 साल के लिए कंसिस्टेंट मिले ना, तो वो दिस वुड बी अ बिग ह्यूज मनी इन योर हैंड। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो पे मैंने 500 लाइक्स का टारगेट रखा है। इस 500 लाइक्स को टारगेट अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो को फिर देन अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, अंकल में, जहां जहां आप इस 1 रुपए की सिक्के की वैल्यू समझाना चाहते हो वहां भेजिए, और लाइक कीजिए खुद भी, और वीडियो को भेजिए उनको भी लाइक करने के लिए बोलिए, और जिसको भी आपको ये वीडियो आगे शेयर करनी है शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी कुछ ना कुछ स्टोरी से रिलेट करते हुए आप लोगों को हमेशा देता रहता हूं, ताकि आपके लॉजिक क्लियर हो सके इन्वेस्टमेंट्स के लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो अगर ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों हाँ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है अपने आर्टिकल्स को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बेसिकली जो भी मेरे आर्टिकल्स होते हैं मैं अपने शेयर करते रहता हूँ अपने अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, अपने फॉलोअर्स के साथ में। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके साथ वो आर्टिकल्स शेयर करूँ, या आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ, जिसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता रहता हूँ। बेसिकली वो वीडियो मैंने सीरीज शुरू नहीं करी है, या वो अभी तक इस तरीके के ईमेल स्टार्ट देना शुरू नहीं करे, लेकिन बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो अगर आप भी मेरे प्रीमियम आर्टिकल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके सिर्फ आपको अपनी ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी है, वो जाके डाल के सबमिट करनी है।
तो जब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगा इन वीडियो सीरीज पे पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स पे और इसी तरीके के आर्टिकल्स पे, तो वो वीडियो के लिंक या आर्टिकल्स के लिंक मैं आपको भेजूंगा आपके मेल पर। हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हो, तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मैं बोल देता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो की मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अंकल के साथ जरूर भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करा बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सब, और हमारे ईमेल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।